सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि लाएंगे वास्तु योगी। नमस्कार। बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं कि एस्ट्रोलॉजी फेक है, वास्तु फेक है, खाली कर्म करते जाओ और सब ठीक हो जाएगा। मैं भी मानता हूँ कर्म करने से सब कुछ ठीक होता है, बट क्या ऐसे लोग भी नहीं है जो बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही काम करते हैं, फिर भी उनके लाइफ में परेशानी कम नहीं हो रही? क्यों एक ही घर में पैदा होने वाले लोग अलग हैं? क्यों एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है? हमारे जो देश के धनाढ्य है मुकेश अंबानी जी, काम दोनों करते हैं पर फिर भी एक को सारे सुख चैन मिले और दूसरे को नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सब जुड़ा हुआ है एस्ट्रोलॉजी से। हाँ, फेक है, कुछ लोग हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी नामक विद्या ही नहीं है। वरना श्री कृष्ण या इवन उससे पहले की बात करें, रामायण में जो रावण ने सब ग्रहों को बांध लिया था और फिर छुड़ाने के लिए हमारे बजरंगबली हनुमान जी को, शनि देव को छुड़ाने के लिए जाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रूफ्स है कि हाँ, ज्योतिष एग्जिस्ट करता है, वास्तु भी एग्जिस्ट करता है। आज मैं आपके सामने कुछ श्लोक बताऊंगा जो रामायण से मैंने एक्सक्रिप्ट किए हैं। हम जानेंगे कि वास्तु का और एस्ट्रोलॉजी का शास्त्रोक्रित से क्या प्रमाण हमें मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक श्लोक है, आपकी स्क्रीन पर आप देख पाओगे। कृत्वा च समयम राम सुग्रीवेण सहानद कालयुक्तम महाद्वाक्य मुवाच रघुनंदन विनीतम भ्रात्रम भ्राता लक्ष्मणम लक्ष्मी वर्धनम। इसका मतलब है, रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले निष्पाप श्री रामचंद्र जी वर्षा का अंत होने पर सुग्रीव के साथ रावण पर चढ़ाई करने का निश्चय करके वहां आए थे। उन्होंने लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले अपने विनयुक्त भ्राता लक्ष्मण से यह समयोचित बात कही। अभी ये हमारे रघुकुल नंदन जा रहे हैं, आगे वह क्या बोलते हैं? तो आगे श्री राम जी कहते हैं, गुहा द्वारे च सौमित्रे शीला समतला शिवा कृष्णा चैवा यता चैव भिन्ना जन चयोपमा। इसका मतलब है, सुमित्रा नंदन, इस गुफा के द्वार पर समतल शिला है जो बाहर बैठने के लिए सुविधाजनक होने के कारण सुखदायी है। यह लंबी चौड़ी होने के साथ ही खान से काटकर निकाले हुए कोयलों की राशि के समान काली है। इससे आगे तीसरी बार श्री राम जी कहते हैं, दक्षिणश्या मपि दिशि स्थितम श्वेता मिवांबरम कैलाश शिखर प्रख्यम नाना धातु विराजितम। इसका मतलब है, इसी तरह दक्षिण दिशा में भी इसका जो शिखर है वह श्वेत वस्त्र और कैलाश श्रृंग के समान श्वेतदायिनी देता है, नाना प्रकार की धातुएं उसकी शोभा बढ़ाते हैं। इसके आगे श्री रामचंद्र जी कहते हैं, प्रागुदक प्रवणे देशे गुहा साधु भविष्यति पश्चाचैवोन्नता सौम्य निवातेयम भविष्यति। इसका मतलब है, हे सौम्य, यहाँ का स्थान ईशान कोर की ओर से नीचा है, अतः यहाँ यह गुफा हमारे निवास के लिए बहुत अच्छी रहेगी। पश्चिम दक्षिण के कोण की ओर से ऊंची यह गुफा हवा और वर्षा से बचाने के लिए अच्छी होगी। तो बहुत ही सौम्यता से श्री रामचंद्र जी ने हमको बताया कि हमारा दक्षिण ऊंचा होना चाहिए, ईशान कोण नीचा होना चाहिए और ईशान कोण खाली होना चाहिए, जिससे जो हमारी विंड डायरेक्शन है उसका हम फायदा उठा पाए। इससे आगे, प्राचीन वाहिनीम चैव नदी मृष मकरदमाम गुहाया परतः पश्य त्रिकुटे जाह्नवी मिवा। वह देखो, इस गुफा के दूसरी ओर त्रिकुट पर्वत के समीप बहने वाली मंदाकिनी के समान तुंगभद्रा नदी बह रही है, उसकी धारा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, उसमें कीचड़ का नाम भी नहीं है। तो यहाँ पे रामचंद्र जी ने हमको बताया कि जैसे हमारा स्लांट कहाँ पर होना चाहिए, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर या साउथ से नॉर्थ की ओर। तो हम जो वास्तु में प्रिंसिपल्स में यूज़ करते हैं कि हमारा नॉर्थ और ईस्ट नीचा होना चाहिए,
तो वो यह प्रमाण देता है। उससे आगे इयम गिरी गृहा रम्या विशाला युक्त मारुता अस्याम वत्स्याम सौमित्रे वर्ष रात्र मरिंदम। इसका मतलब है शत्रु दमन सुमित्र कुमार, यह पर्वत की गुफा बड़ी ही सुंदर और विशाल है, यहाँ हवा के आने जाने का भी मार्ग है, हम लोग वर्षा की रात में इसी गुफा के भीतर निवास करेंगे। तो फाइनली उनको कहाँ निवास करना है उसकी जगह मिल गई, एक रात के लिए या 100 रात के लिए, या वो टेम्पररी स्टे था उनका, फिर भी उन्होंने जो बेसिक वास्तु के प्रिंसिपल्स है कि साउथ ऊंचा होना चाहिए, साउथ में पर्वत होना चाहिए या उसकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, यह सारी चीज़ का ध्यान रखा है। तो हम जब हमारा परमानेंट एड्रेस फिक्स करते हैं तो क्या हम ये सारी चीज़ें देखकर घर नहीं ले सकते? मेरा एक छोटा सा ही एक आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि फ्री कोर्सेज अवेलेबल है पूरे मेरे प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हो, आप पूरा सीखिए, उसमें से जितने भी जो मेन प्रिंसिपल्स है एटलीस्ट आप उसका अध्ययन करके आप ऐसे ही घर लीजिए जिससे आपको जान या माल का नुकसान ना आए। मेरी और कोई गेलछा इसके पीछे नहीं है। और कृपया करके अगर यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में बताइए कि मेरा संस्कृत थोड़ा वीक है, तो अगर मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस किया तो माफ़ कर देना छोटा भाई समझकर या बेटा समझकर, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि रामायण और महाभारत में जहाँ जहाँ वास्तु का कुछ भी वर्णन है वह मैं आपके समक्ष लेके आ सकूँ। आप सबसे ये निवेदन है कि आगे अगर ऐसे ही वीडियोस आपको चाहिए तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए, और कमेंट ज़रूर से करना कि कैसा लगा यह वीडियो। धन्यवाद।